कल मैं डीडीसीए का लाइव मेंबर हूं। आप सुनिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। पंजाब से क्रिकेट खेल रहा हूं, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में वो कहती तू गेट के बाहर रह, अंदर नहीं आ सकता, ताला लगा देते हैं। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का मैं लाइव मेंबर हूं। मेरे को इन्विटेशन का रजत शर्मा जी ने भेजा, जिसमें अमित शाह चीफ गेस्ट थे। हम गए वहां, पूरी इंडियन टीम थी। हमें कार्ड आया, मैंने कार्ड भी इसमें लगाया हुआ है, मेरे को पर्सनल नाम से कार्ड आया क्योंकि मैं लाइव मेंबर हूं। हमें बहुत रिस्पेक्ट मिली वहां। चाय वाय का अरेंजमेंट था, जाते ही क्या सिस्टम था वहां। हम चले गए अंदर और वहां सुना, सारा शो देखा, लाइव भी आ रहा था वहां। मेरे को एक ही चीज समझ आई, जितने लोग मेरे को मिले कहते हम आपकी वीडियो देख रहे हैं। मेरा तो दिल खुश कर दिया उन्होंने। जो मैन्युफैक्चरर क्रिकेटिंग गेयर्स के मैन्युफैक्चरर्स थे, जो जितने क्रिकेटर थे, जो 1983 वर्ल्ड कप टीम के चैंपियन टीम के मेंबर थे, वो भी सारे मिले। वो कहते यार तेरी तो रोज वीडियो सुनते हैं, तेरा हाल क्या है, तेरी सेहत कैसी है, तो कीप इट अप, तू तो लोगों को अवेयर कर रहा है। तो मेरा तो सीना 56 इंच का हो गया, मेरे को तो पता नहीं था पूरे हिंदुस्तान देख रहा है। वो कहते है तू अवेयर कर रहा है, मैं कहा अभी अवेयरनेस तो शुरू नहीं हुई, जस्टिस लोडा की तो रिकमेंडेशन अभी शुरू होने के में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये मसले जो बीच के हैं मैं यही बताने जा रहा हूँ लोगों को कि ये इलेक्शन तो हो जाएंगे, इलेक्शन आएंगे जाएंगे, पर मुहिम शुरू हो गई है। आप इस बार ले जाओगे गद्दी और 6 महीने में देखो आप क्या होता है। मुहिम तो बंद होनी नहीं, अब क्रिकेटर्स को अपने राइट पता चलने शुरू हो गए। एक बॉडी क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन बन गई है, उसके मेंबर 10 मैच वाले बन गए हैं, उसका इलेक्शन भी 11 अक्टूबर को है। एक बॉडी आपके सिर के ऊपर बैठ गई है, आपकी हर बॉडी में 2-2 क्रिकेट प्लेयर वहां से आके बैठेंगे आपके स्टेट के। हम उनको गाइड करेंगे कैसे इनको तोड़ना है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, वापस कैसे लेके आना है। आपने जो अपनी मन गणती से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी है ना, वो तो आपने करी, अब नई बॉडी भी चेंज कर लेगी, 2 मिनट लगते हैं, वो भी चेंज करके एजीएम में पास करा लेगी। एजीएम में आपके जो चमचे बैठे हैं ना, उनके भी दिमाग खराब कर देंगे हम, जब आप हम उनको बताएंगे आपके कारनामे। सब समझ आ रही है उनको भी। अब हमने आपने एक हमारे डिसक्वालिफाइड सेक्रेटरी साहब ने कहा मेरे पास तो 150 वोटे, मैं तो प्रेसिडेंट को भी नहीं जीतने दूंगा। ये कमाल की बातें करते हैं आप, ना प्लेयर ना स्पेयर। आप बात करते हैं ना कमरे बंद में, तब भी मेरे पास खबर आती है। अभी डिस्क्वालीफाइड, अब तो कमरे खाली हुए, बाहर सड़क पे गिरा दिया आपको, आगे क्या होगा देखो आप, हाल क्या होता है। यू विल बी नॉट गिवन पासिस फॉर द मैचेस। आप जिस क्रिकेट एसोसिएशन के 40-40 साल ओहदेदार थे, आपको उसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। आपकी लाइव मेंबरशिप 74 के 75 मैच करें आपको, उससे भी डिबार कराएंगे हम। आपके कारनामे दिखा रहे हैं हम लोगों को, आप उकसा के लोगों को पहलवान इकट्ठे करके भेजते हैं। ये पहलवानों की गेम नहीं है, ये क्रिकेट है। ये सब स्टेटों में ये हाल है, कोई नहीं छोड़ना चाहता, अपने बच्चों को बिठाना चाहते हमारे सिर पे। आप उनका हाल तो देखो बच्चों का, 15 दिन हॉस्पिटल 15 दिन घर। आप अपने बच्चों का हाल तो देखो, हमारे सिर पे बैठाने आए हो आप बच्चों को, आपको बताएंगे। आप बच्चों को बिठा के तो दिखाओ, उनका जुलूस वहां निकालेंगे। वैसे तो हम आने नहीं देंगे, आपको नॉमिनेशन फाइल करने पे मजबूर कर देंगे, नहीं तो करोगे आप। आपके सेक्रेटरी तो सब रिजाइन कर चुके हैं, आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब अगर कोशिश करके भी आ गए तो उनका इतना जुलूस उनके घर के बाहर निकालेंगे, सारी जिंदगी बाहर निकलेंगे। वो क्रिकेटर है, हमारे 3 क्रिकेटर हमें चाहते नहीं है। जो 3 क्रिकेट प्लेयर हमारे वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी है, आज मैं क्रिकेट कम्युनिटी को बता दूं, वही हमारे दुश्मन है, वो सबसे बड़े दुश्मन वही हैं। उन्होंने एक एक मैच के 2 चमचे तो बना लिए, तो बाकी मतैप उतर थे। हमने क्रिकेट नहीं खेली क्या, वो खेले थे? आपको दिख नहीं रहा 3 बंदों को, बाकी को तो छोड़ दो, हम जानते नहीं किसी को। आपको नहीं पता था हम क्रिकेट प्लेयर हैं? आपने एक एक रणजी ट्रॉफी मैच को बना लिया, जो 10 से ऊपर वाले किसी को नहीं बनाया, 20 से ऊपर वाले किसी को नहीं बनाया, 50 से ऊपर वाले किसी को नहीं बनाया। ये आपकी क्या बातें कर रहे हैं आप? आपकी मैं एक एक दिन रोज धज्जियां उड़ाऊंगा और पूरी पब्लिक खड़ी कर दूंगा। 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, मैं तो इस मुहिम में हूं, मैंने तो कफन बांध रखा है, आपको ठोक के रखूंगा।